नमस्कार दोस्तों, अभी हम डिस्कशन करेंगे कुछ पेनी स्टॉक्स का, सुजलॉन एनर्जी, जयप्रकाश एसोसिएट्स और जीटीएल इंफ्रा। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है और चार्ट के माध्यम से इन स्टॉक्स में हम देखेंगे कि क्या इनके फ्यूचर टारगेट्स होने चाहिए और हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें और हमारे वीडियोज़ केवल एडुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुजलॉन एनर्जी से शुरुआत करना चाहूँगा। तो सुजलॉन एनर्जी के जो बोर्ड है, इन्होंने कल क्या किया है कि 2.36 करोड़ को इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं बॉन्ड्स के कन्वर्जन के लिए। फेस वैल्यू इसकी इन्होंने रखी है ₹2, तो 2542 USD डिनोमिनेटेड कन्वर्टर बॉन्ड्स USD 320 ईच, और ये सारे, तो यहाँ पे ये 2.75% पर एनम देंगे। तो ये करीब करीब आप मान के चलिए 8,24,624 USD रेस करेंगे उससे, और कन्वर्जन प्राइस आपकी मोटा मोटा ₹2.61 के आसपास आएगी इसके हिसाब से। तो यही कल काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी सुजलॉन एनर्जी को लेके। बाकी अगर हम और मार्केट में देखें तो क्या न्यूज़ चल रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो थोड़ी उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। प्रमोटर्स जो है सुजलॉन एनर्जी, फ्यूचर कंज्यूमर और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इनकी काफ़ी जो प्लेस्ड होल्डिंग्स है वो काफ़ी हाई है। और बाकी सारी अगर आप अच्छी कंपनीज की देखेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, उनकी प्लेस होल्डिंग्स बहुत ही कम होती है या जीरो होती है। जैसे यहाँ पे आप दिखाएंगे कि निफ्टी 50 कंपनीज में सारी ही कंपनियों की प्लेस होल्डिंग में गिरावट आई है, केवल इंडसइंड बैंक को छोड़ के। और अगर हम देखेंगे तो रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि विंड टावर मार्केट जो है उसमें अच्छी ग्रोथ आने वाली है और उसमें सुजलॉन एनर्जी एक हमारा मेजर प्लेयर हो सकता है इंडिया से। आइए अब हम चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखना चाहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखूँ तो ये जो एरिया है 6.5 रुपये के आसपास, ये एक इसका मुझे रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, और यहाँ पे जो सपोर्ट है वो इसका 5 रुपये के आसपास है। तो मेरा मानना है इस प्राइस पे तो आपको इस स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। तो आप इस स्टॉक को 5.20 रुपये के आसपास खरीदिए। स्टॉप लॉस दोस्तों आपको करीब करीब इसमें लगाना पड़ेगा ₹4.30 का, और टारगेट जो हमारा रहेगा उसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेता हूँ। तो पहला टारगेट तो दोस्तों हमारा रहेगा इसमें आप करीब करीब 6.25 का, फिर ₹7 का, और फिर 8.5 रुपये का। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है इसमें हमारी, वॉल्यूम्स इसमें ठीक ठाक रहते हैं, नॉर्मली डिसेंट, RSI की तरफ से कोई इशू नहीं है। तो इसकी जो स्ट्रेटजी हमें करनी चाहिए वो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। तो आप बाई अराउंड इसे 5.2 करिएगा। स्टॉप लॉस दोस्तों जो आपको लगाना पड़ेगा वो 4.3 का लगाना पड़ेगा। और टारगेट्स दोस्तों जो इसमें हमारे रहेंगे, पहला टारगेट करीब 6 से 6.25 का रहेगा, फिर दूसरा टारगेट हमारा दोस्तों इसमें करीब 7.5 के आसपास का रहेगा, और फिर उसके बाद का हम तीसरा टारगेट हमारा 8.5 रुपये का रहेगा। इस साइड के स्टॉक में दोस्तों ट्रेल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही वेरी लो अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा एज वेरी रिस्की। तो ये दोस्तों जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और लो अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी है पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होते हैं, वो तीनों ही हमारे स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं एक बार GTL इंफ्रा को लेके कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। तो अगर मैं उसकी बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो DIs की काफ़ी अच्छी होल्डिंग इसमें चल रही है, काफ़ी इंक्रीज इन्होंने अपनी होल्डिंग की है, बर्मन लॉरी, श्रीराम, UTI MC, ये देखिए, और GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें नाम आ रहा है। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर है इसके लिए। बाकी भी दोस्तों और भी जो रिसर्च हुई है अलग अलग चीज़ों की लेके, जैसे यहाँ पे हुए टेलीकॉम टॉवर्स मार्केट साइज, उसमें भी का पूरा 2014 से लेके 2027 तक के उन्होंने काफ़ी 13-14 साल की डिटेल्ड एनालिसिस की है। उसमें इंडिया में इन्होंने GTL इंफ्रा को अच्छे से आप कह सकते हैं स्टडी किया है। पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी इन्होंने GTL इंफ्रा, भारती इंफ्राटेल, इंडस टावर्स और रिलायंस इंफ्रा, इन सबको अच्छे से एनालाइज करके बताया है कि किसका क्या स्कोप है।
तो ये सब चीज़ों में इससे मतलब पता चलता है कि GTL इंफ्रा भी हमारा थोड़ा सा हाईलाइट में है और लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं। साथ ही ये कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी, तो अगर आपने GTL इंफ्रा का शेयर खरीदा होता एक साल पहले तो आपको 180% तक के रिटर्न मिल जाता है। ये वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट थी जिसमें कि जहाँ पर ये लोग थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि टोटल ये है लॉस, लेकिन कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, 11% का करीब करीब लॉस में चल रहा है। तो फंडामेंटली कोई कंपनी में कुछ नहीं है, आप केवल पेनी स्टॉक की ही तरह इसको ट्रीट करिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम लॉन्ग रन के लिए इसको रख के चल सकते हैं। तो इस स्टॉक को अगर दोस्तों देखिए RSI का कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम्स कुछ खास अभी चल नहीं रहे, तो इस स्टॉक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो करेंट प्राइस पर खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस दोस्तों आपको इसमें लगाना पड़ेगा 0.6 का, और जो हमारे इसमें दोस्तों टारगेट्स रहेंगे वो पहला टारगेट 0.85 का, फिर 1 रुपये 10 पैसे का, और फिर 1 रुपये 30 पैसे का। बाकी पेनी स्टॉक्स में मैं कोई बहुत ज़्यादा और एनालिसिस करता नहीं हूँ। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 0.6 का, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो पहला टारगेट हमारा रहेगा 0.85 से 0.9, दूसरा टारगेट 1 रुपये 10 पैसे, और तीसरा टारगेट 1 रुपये 30 पैसा। इसमें भी स्टॉप लॉस सेल करिएगा और बहुत छोटी सी अमाउंट लगाइएगा। आइए अब हम जयप्रकाश एसोसिएट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कोविड की वजह से अपने जो ऑपरेशंस थे MP और UP में वो इन्होंने बंद कर दिए थे काफ़ी टाइम पहले, करीब 2 से 3 हफ्ता पहले। साथ ही दोस्तों जो इनके JP के होम बायर्स थे उसको NBCC ने कल कहा है कि वो करीब 70% यूनिट अगले 2.5 सालों में डिलीवर कर देंगे। आप सभी को पता होगा कि जयप्रकाश एक मतलब मैं क्या बोलूँ, लोग देख के मुझे काफ़ी दुख भी होता है कि लोगों का पैसा काफ़ी कैसे स्टॉक में बर्बाद हुआ है, बट ठीक है अभी हम स्टॉक्स के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जयप्रकाश JP में जिन लोगों ने घर खरीदा था उनको वो कोशिश करेंगे कि 70% यूनिट्स दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो पता नहीं। आइए दोस्तों अब हम चार्ट के माध्यम से इस स्टॉक को देख लेते हैं। तो चार्ट के माध्यम से अगर मैं देखूं दोस्तों तो ये 8.5 रुपये के आसपास इसका एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ रहा है, और 6.80 रुपये या 7 रुपये के आसपास आप मान के चलिए एक बहुत स्ट्रांग इसका सपोर्ट नज़र के आ रहा है, और अभी ये इसको बीच में चल रहा है। तो मेरा मानना है आप इसे 7 रुपये के आसपास खरीदिएगा और 6.25 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा। पहला टारगेट जो इसमें रहेगा वो हमारा 8.5 रुपये का रहेगा, और दूसरा टारगेट जो हमारा उसमें रहेगा 9.5 रुपये का रहेगा। वॉल्यूम्स इसमें ठीक ठाक है, RSI की तरफ से कोई इशू नहीं है, बाकी कोई और इंडिकेटर कभी भी हमें पेंडिंग स्टॉक में मूविंग एवरेज बॉलिंगर बैंड ये सब देखने की कोई लॉजिक होती नहीं है। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई अराउंड 7 करिएगा जब थोड़ा सा इसमें और गिर जाए, क्योंकि अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करते हैं, बट कुछ तो हमें पैरामीटर्स लेके चलना ही पड़ेंगे कोई भी स्टॉक को बाई करने से पहले। तो स्टॉप लॉस इसमें लगाइएगा 6.5 का, और दोस्तों इसमें जो हमारे टारगेट्स रहेंगे पहला टारगेट रहेगा 8.5 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा 10 रुपये का। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।